कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज का व्लॉग होने वाला है, लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे टाइसन के लिए कि टाइसन के ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाइए एक, तो मैंने एक महीने से मतलब बीच बीच में जब भी टाइम मिला है तो टाइसन की वीडियो शूट की है। तो आज का जो व्लॉग है टाइसन के ऊपर ही है और मेरा दिल नहीं मानता जब तक मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, और इसीलिए फिर मैंने साथ में जो जौ का सत्तू है वो हम कैसे बनाते हैं वो वाली वीडियो भी शूट कर ली है ताकि आप लोगों को चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वरना तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि मैंने आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो क्लिप्स भी ऐड किए हुए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए टाइसन झाड़ू लेके कहाँ जा रहा है? झाड़ू दे दे टाइसन, झाड़ू दे दे, दे दे झाड़ू टाइसन। तू शरारती नंबर वन, झाड़ू लेके कहाँ जा रहा था? कौन जा रहा था? कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। टाइसन आजा 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 आजा। मेरा टाइसन, ले ले ले, तू भी टिका। टाइसन की एज की बात करूं तो टाइसन की एज हो रही है 7। ये 2013 में इसे लेके आए थे और एक महीना मेरे पास चंडीगढ़ भी रहा था ये, और इससे पहले भी बहुत सारे जर्मन शेफर्ड्स थे जो कि उसमें से दो को तो स्नो लेपर्ड ने ले गया था रात को विंटर्स के टाइम, नहीं एक वाले को समर्स के टाइम ले गया था, एक वाले को विंटर्स के टाइम ले गया था। तो इसलिए टाइसन को रात को हम बंद करके रखते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे खुले छोड़ नहीं सकते, स्नो लेपर्ड्स घूमते हैं तो इसलिए। फिर उसके बाद हमारे पास गद्दी डॉग्स भी थे और वो भी नहीं रहे, तो हमने फिर अब लास्ट यही टाइसन है हमारे पास, अभी इसको 7 साल हो रहे हैं तो इसे हम बड़े संभाल के रखते हैं, रात को बंद करते हैं, सुबह छोड़ते हैं, ऐसे ही रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं इसका। तो बहुत ज़्यादा नॉटी है ये और अनवी को तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अनवी के हाथ में अगर कुछ हो भी खाने का तो ये छीन के ले जाता है और अनवी बेचारी देखते रह जाती है, फिर अनवी मारती है इसको जा जा कर, कभी कभी तो अनवी किक से भी मार रही होती है इसे, बहुत तंग करती है ये भी अनवी को, तंग करता है और अनवी भी इसे तंग करती है। पीछे क्या कर रहा है टाइसन? ऐसे कर रहा है। मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, हमारे यहाँ पर जब बंदर आते हैं तो टाइसन ही भगाता है, तो बंदरों को भगाने के लिए हम लोग बोलते हैं शाबाश शाबाश, तो टाइसन जैसे ये वर्ड सुनता है तो उसे लगता है कि बंदर आ गए हैं, और तो ये छत दिख रहा है ना हमारे घर का, तो बंदर ज़्यादातर इसी छत से आते हैं, मतलब यहाँ से होके आते हैं, तो टाइसन वहाँ दौड़ते जाते हैं। पहले टाइसन के एक्सप्रेशंस हम देखते हैं कैसे है, ये देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा है, तो अभी जब मैं शाबाश बोलूँगी तो इसकी एक्सप्रेशन आप लोग देखिएगा। टाइसन शाबाश 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 शाबाश। हर जगह पाया जाता है ये, तो ज़रूर बताइएगा। टा तो तू मुझे ही चाट, तू मुझे ही चाट। चल टाइसन, तो
गाइस ये हुआ है टाइसन का मटन बॉईल। टाइसन के लिए मटन बॉईल। टाइसन वहाँ क्यों बैठा हुआ है? बर्फ में बर्फ पड़ रही है, क्यों बैठा हुआ है ठंड में? टाइसन क्यों बैठा है उधर? आजा यहाँ बैठ, आजा आजा, वहाँ क्यों बैठा है? ठंडी में, ठंडी में। ये शाम के वक्त टाइसन मेरा और अनवी का खेलने का वक्त होता है। अनवी अभी ऊपर गई हुई है किचन में, तो अभी मैं टाइसन के साथ हूँ। तो मैं भागती हूँ तो ये भी पीछे ऐसे भागते आता है। ये देखिए अगर, ये देखिए, ये देखिए टाइसन की मस्ती टाइम। तो शाम के वक्त खेल खेल कर बहुत ज़्यादा इसको प्यास लगती है, और फटाफट से ये नलके के पास आ जाता है और नलके के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर ये बोल, मतलब अब इसे, अब हम तो समझ जाते हैं इसका कहने का मतलब होता है कि टैप खोलो। फिर मैं टैप खोलती हूँ तो पीने लगता है। अभी देखिएगा, देखिए नलके के पास आकर खड़ा हो गया। मैं टैप खोलूँगी। जो को धो के तब भून के तब पीसेंगे तो सब तो तैयार हो जाए। अब पुराने ज़माने में तो ग्राहक है, पानी का ग्राहक है, और अब तो बिजली का ग्राहक है, बिजली का ग्राहक है। तंदूर को ज़्यादा भी नहीं भूनते और अच्छा वो काला होता है, ज़्यादा भूनिया तो काला होता है। ठीक से भूनता तब ठीक है। सब तो चाय के साथ भी खाते हैं और लस्सी के साथ भी खाते हैं, अच्छा होता है। तो गाइस सत्तू पीस के रख दिया था यहाँ पर और उसे अच्छे से छान कर भी रख दिया है। तो मतलब सत्तू पीसने के बाद जो गंध निकलता है, जैसे हम आटा छान के रखते हैं वैसे ही सत्तू को छान के रखा हुआ है। तो मैं अभी वही लेने आई हुई हूँ, फिर भर के ले जाऊँगी, फिर खाएंगे हम। सत्तू है, इसका क्या क्या गुण है मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सत्तू गर्मियों में लस्सी के साथ भी हम खाते हैं और हमारा नमकीन चाय के साथ भी हम इसको खाते हैं। और हमारा जो पहले सुबह नमकीन चाय के साथ सत्तू के साथ ही ब्रेकफास्ट होता था, अब तो ये ज़माना बदल गया। परौंठे ये वो, आलू परौंठे, मूली परौंठे, गोभी परौंठे, ये बना करके खाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो सब हानिकारक है। उस टाइम के जो बुजुर्ग है, अभी तक भी 80-90 साल उम्र है उनका, अभी भी मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको आँखों से दिखाई पड़ रहा है। तो उस टाइम सत्तू में चुल्ली का तेल और गुड़ ये यूज़ करते थे। और ये बुद्धिस्ट जो हमारा अपना जो मंदिर है, इसमें भी जो सत्तू का ही प्रयोग होता है। तो आज मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भाई सत्तू किस तरह बनाते हैं, किस तरह बना करके खाते हैं। सबसे पहले कौली लिया, फिर उसमें चाय डालेंगे, फिर चाय डालने के बाद फिर ये गुड़ लगाएंगे,
फिर गुड़ लगाने के बाद फिर ये जो अपना गुटी का तेल, ज़रूरत के मुताबिक, ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद सत्तू लगाएंगे, फिर उसको इस तरह एक साइड से, इस तरह एक उंगली से ऐसा करना पड़ता है। अब इसको हम इस तरह करेंगे, जिसमें ये मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को बाटिच बोलते हैं हमारे किन्नौरी लैंग्वेज में। दूसरा एक कौली टाइप का भी होता है, उसको नंग्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों उस ज़माने से चल यूज़ करते आ रहे हैं, नंग्स भी और ये बाटिच भी। नंग्स में थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इसमें बाटिच में पकड़ना इजी है, क्योंकि नंग्स क्योंकि कौली की तरह ही होता है। ये अब तैयार हो गया सत्तू, इस तरह बना करके खाते हैं। जो हम मैं इसको बना रहा हूँ, इसको हमारे भाषा में पिंटू बोलते हैं, युद्ध पिंटू, युद्ध में युद्ध मतलब सत्तू, हमारे भाषा में सत्तू को युद्ध बोलते हैं। और ये सत्तू जो है, ये अपना जौ का भी होता है और नंगा जौ का भी होता है। कहने का मतलब, एक जौ में ऊपर कांटे होता है, नंगा जौ में कांटे नहीं होता है। तो वैसे जो असली प्योर जो है तो जौ का ही ठीक है सत्तू, नंगा जौ थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है लेकिन उसमें इतना गुणवत्ता नहीं है जितना जौ में है। लुधियाना एग्रीकल्चर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ से लाया हमने, क्या कहते हैं, जौ का बीज, हाइब्रिड का नया बीज लिया है लुधियाना यूनिवर्सिटी से, वो भी लगाते हैं हम। और अपना जो पुराना ट्रेडिशनल जो है, बुज़ुर्गों के टाइम का जो जौ, वो भी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं हम। आपस में देखते हैं कि भाई हम किस में पैदावार ज़्यादा है और टेस्ट किस में है। टेस्ट तो हमारे वाले में ही है, जो हमारा पहले का पुराना ट्रेडिशनल जौ है उसी में टेस्ट है, लेकिन पैदावार ज़्यादा जो है, ये जो अभी जो हाइब्रिड लाया हमने उसमें ज़्यादा है। सत्तू देखो, सत्तू एक ऐसा चीज़ है कि आपका मतलब हजमा सही रखेगा, और ऊपर से जो है ना, सत्तू खाने से भूख भी लगता रहेगा। और गर्मियों में जो लस्सी के साथ खाते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके हजमा के लिए। सत्तू को फिर अब हम जो खाते हैं तो तरीका ये है, इस तरह खाते हैं, सत्तू के साथ फिर चाय भी पीते हैं। और ये जो सत्तू है, हम अपने कुत्तों को भी खिलाते हैं, ये आज नहीं, वो पहले ज़माने से, जैसा हमारा भेड़ बकरियों के साथ भी कुत्तों को इस तरह ही खिलाते हैं। तो ये सत्तू और लस्सी मेन, कुत्ते को अगर कुत्ते का मतलब, जो हमारे अपने गद्दी कुत्ते हैं उनको सत्तू और लस्सी ही ज़्यादा खिलाते हैं। हम अपना टाइसन को भी खिलाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में नहीं खिलाते हैं, क्योंकि लस्सी ठंडा होता है, तो ये इसलिए जो है हम सर्दी में नहीं देते हैं। गर्मी में टाइसन को भी हम वो क्या कहते हैं, लस्सी और सत्तू दिन में खिलाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कुत्तों को गर्मियों में लस्सी में सत्तू मिला करके खिलाएं, दूध में भी मिला के खिला सकते हैं, थोड़ा सा हल्का नमक डाल करके। जब से टाइसन को लाया है तब से मैं इसे राखी बांध रही हूँ, अपना भाई बना के रखती हूँ बड़े प्यार से। इस व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि टाइसन की मस्ती, टाइसन क्या क्या करता है, और हम जो जौ का जो सत्तू है उसे हम कैसे खाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस व्लॉग में मिली। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।